ठीक है, एरर मैसेज बेसिकली मुझे डिस्प्ले कराना है, अगर मेरे पास पासवर्ड गलत होता है और मैं कहीं पे चेक लगाती हूँ तो मेरे पास एक तो ये हटना भी चाहिए, वापस रीडायरेक्ट भी होना चाहिए और मेरा मैसेज भी चेंज होना चाहिए ना। अच्छा, करना क्या है कि देखो मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन के अंदर मैंने ये लगा दिया रिटर्न रीडायरेक्ट, मुझे कहाँ जाना है, किस पेज पे जाना है, यानी सेम पेज है मेरा। एरर्स मेरे पास क्या है, मैसेज है इनवैलिड और मेरे एरर का नाम क्या है, मैसेज। इसी तरीके से इसको कॉपी किया, एल्स में अगर मेरा पासवर्ड गलत होता है तो मेरा इनवैलिड पासवर्ड आएगा, ठीक है, ये आएगा। ये विद एरर्स के साथ मैंने कहा कि रीडायरेक्ट तो कर रहा है लेकिन विद एरर्स होगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको वापस एंटर करती हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स सपोज अपना नाम लिखा और पासवर्ड मैंने गलत डाल के चेक लगा दिया एडमिन के ऊपर, लॉगिन करा तो मेरे पास क्या है, इनवैलिड पासवर्ड। और अगर मैं यहाँ पर गलत डाल रही हूँ कुछ और एडमिन सेलेक्ट कर रही हूँ तो मेरा इनवैलिड यूजर नेम आ रहा है। अगर मैं सही डालती हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 देन एड, ठीक है, और एडमिन लॉगिन करती हूँ तो मैं डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड पर चली जाती हूँ, सही है। डिस्प्ले कराने के लिए मैंने आपके लेआउट के अंदर क्या काम करा, ये तो मैंने आपको बता दिया कंट्रोलर के अंदर का काम, सही है। अच्छा, अब आ जाओ आप इंडेक्स वाले पेज पे। यहाँ पर मैं आई, मैंने जहाँ बटन था उसके नीचे मैंने ब्रेक ब्रेक करा और यहाँ मैं इफ और एल्स ही कंडीशन लगा रही हूँ। इफ और एल्स एरर्स हमारे पास मल्टीपल भी हो सकते हैं, अगर कोई आपके लूप में या कुछ भी है तो आप वो कर सकते हो। मैंने कहा एक वेरिएबल बनाया एरर्स और मैंने वहां पे नाम क्या रखा था, मैसेज, क्या नाम रखा था, मैसेज रखा था ना, ये रखा हुआ, इसका नाम ये रहा, ठीक है, मैसेज। तो मैं अब यहाँ ये चेक कर रही हूँ कि मेरे पास मैसेज एनी, यानी मेरे पास कोई एरर मैसेज है या नहीं। अगर है तो मैंने यहाँ फॉर ईच लगाया हुआ है कि सारे मैसेजेस को क्या कर लो, गेट कर लो। और मुझे हेडिंग किस में डिस्प्ले कराना है, वो गेट करोगे और एक सिंगल वेरिएबल बनेगा, सही है। एरर एक एरर था इसलिए एक डिस्प्ले हुआ है, ठीक है, अगर कोई नेस्टेड बहुत सारे होते तो ये बहुत सारे एरर डिस्प्ले कराता। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग 6 लगाई और स्टाइल कह दिया कलर इसका रेड होना चाहिए और मेरा जो भी एरर होगा तो वो मेरा एरर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर एक एरर होगा तो ये लूप मेरे पास चले गई एक दफा, समझ गए, ठीक है। ये बेसिक बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि कभी कभी हम जैसे नेस्टेड डाटा उठाते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स उठाते हैं लिस्ट में से, तो मल्टीपल जगह पे मेरा एरर आ सकता है, तो ये उसको भी हैंडल कर लेगा, इसलिए मैंने इसको सिंगल लाइन वाला नहीं करवाया। हाँ हाँ, इसी वेरिएबल से डिस्प्ले हुआ, ठीक है। ये इफ की कंडीशन इसलिए लगाया है ताकि जब मैं ये वाला पेज एम्प्टी चलाऊ ना तो यहाँ पे वो कहीं मुझे ये ना कहे कि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। तो वेरिएबल मैसेज का डिक्लेयर ही उस वक्त होगा जब एरर आएगा, समझ में आई बात, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, अभी क्लोज करी है देख लो, ठीक है, आपका फोल्डर वोल्डर या डेटाबेस माइग्रेशन, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने लिया है यहाँ पे डैशबोर्ड है और मेरे पास ये है, जिस तरह मैंने यहाँ पे मास्टर लेआउट बनाया था इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एडमिन लेआउट बनाना है। क्या बनाना है, एडमिन लेआउट, ठीक है। बूटस्ट्रैप 4 है, ये तो मैंने यहाँ ही कर दिया, सही है। और यहाँ मैं लिख देती हूँ एडमिन पैनल है, ठीक है। एडमिन पैनल मेरा किस चीज का एडमिन पैनल है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन करा था अपने टाइटल में, करा था ना टाइटल, अगर करना है तो ठीक है, नहीं करना तो तुम्हारी अपनी मर्जी, ठीक है, फिलहाल मैं नहीं कर रही, ठीक है। एडमिन पैनल ठीक है इस तरह, तो जब आप आओगे लॉगिन होकर है, तो मेरे पास अभी ये वाला पेज आता है डैशबोर्ड वाला, तो इसके ऊपर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अभी क्या चला रही हूँ डायरेक्टली यहाँ से मैं दिखा देती हूँ।
मैंने यूआरएल लिखा नहीं है, लिखूंगी तो ये चलेगा, एडमिन लेआउट है। ये आ गया मेरे पास, हर पेज पे मेरे पास यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, सही है? ठीक है, मैं इसको इस तरह नहीं बना रही कि हर पेज का टाइटल चेंज कर दूं, ठीक है? मैंने कहा एडमिन पैनल है तो एडमिन पैनल ही रहना चाहिए। एडमिन पैनल के अंदर होता क्या है, मास्टर लेआउट के अंदर हमने एक जगह पे जाके ये लगाया था ना, ठीक है, जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ लगाएंगे ये हम बाद में देखते हैं। पहले मैंने इसको यहाँ पे ये डिफाइन कर लिया कि कंटेंट है मेरे पास। डैशबोर्ड के अंदर आ जाओ, डैशबोर्ड के अंदर हम बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने शुरू में इंडेक्स वाले में क्या काम करा था, अपना मास्टर लेआउट ऐड कराया था ना ऐसे, तो इधर भी मैं जो है वो डैशबोर्ड पे जाकर इस तरीके से इसको भी ऐड कराऊंगी। अब मेरे पास जो नाम है वो क्या है, एडमिन लेआउट, ठीक है, क्या करा मैंने इसका नाम, एडमिन लेआउट, सही है, ये मैंने बताया। अच्छा पाथ क्या बताना है ये मैं बताती हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नीचे हमारे पास क्या था, इस तरह से सेक्शन बना हुआ था, टाइटल बना हुआ था, फिर ये सेक्शन बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको कोई वो टर्मिनेटर वर्मिनेटर नहीं लगाना है, एंटर, तो आना तो चाहिए एट सेक्शन, ठीक है, ठीक है। सेक्शन का नाम मेरा क्या है जो मैंने यहाँ पे रखा, सही है, मेरा सेव करा। अब रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास जो है, एक मिनट, एडमिन लेआउट नॉट फाउंड आ रहा है, ये मेरे कहाँ पे मौजूद है, एडमिन का एक फोल्डर है उसके अंदर है, ऐसे ही है ना, लग गया, समझ गए। बेशक मैं जो इस्तेमाल कर रही हूं वो इसी फोल्डर के अंदर इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन पाथ में प्रॉपर दूंगी, बात समझ आई, सही है, वरना तो हमारा ही होता है ना, हम नहीं बताते वही लगा लेते हैं, ऐसे ही होता है ना, लेकिन यहां पर आपको पाथ प्रॉपर देना है। एडमिन लेआउट का हमें बेटा क्या उठाना है, सबसे पहले तो उसका साइड नाम बनाना है और ये वाला बनाना है, एडमिन फुटर बनाना है, समझ में आई बात, दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन और ये टाइप कास्ट वर्जन और ये सब दिया हुआ है, ठीक है, ओके, गिटहब वर्कफ्लो इश्यूज टेम्पलेट और क्या क्या दिया हुआ है, टेम्पलेट नहीं दिया हुआ, लगा रहा है डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ओपन विथ, लेट्स सी इसको क्या खोलती हूँ। इस इंडेक्स वाले को मैंने ओपन विथ करके आपकी जो वीएस कोड है ना इधर ही खोल दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओपन कर दो, ये एचटीएमएल है, ठीक है। फोल्डर्स कौन कौन से लगे हुए, वेंडर, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, ठीक है, इमेजेस, ये सब लगी हुई है, ठीक है। तो बैक पे आओ यहाँ पे फोल्डर में, ठीक है, मेरे पास जो भी टेम्पलेट है, मेरे पास सीएसएस फॉन्ट, ठीक है, इमेजेस आप देख लेना, आपको जो चाहिए वो आप इमेजेस आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, ठीक है। खैर फिलहाल ये इमेजेस इस तरह है, ठीक है, हमें तो सारी सी बातें सारी ये तो चाहिए नहीं, हमें तो चेंज चाहिए होगी, ठीक है। फिलहाल मैं इमेजेस का फोल्डर नहीं उठा रही, ठीक है, ये वाला मैंने उठा लिया, ठीक है, वेंडर का उठा लिया, सही है, अभी ये उठाया, ये वाला भी नहीं उठाया, ठीक है, फॉन्ट का, CSS, font, JavaScript, ठीक है, और vendors उठाएं, कॉपी करा मैंने, ठीक है, मेरे पास कहाँ पे मुझे इसको रखना है, जो मेरा फोल्डर मौजूद है, ठीक है, कहाँ पे मौजूद है, मेरे पास C के अंदर, exam के अंदर, Ashley Rock के अंदर, online book, store, ठीक है, public के अंदर, images मेरे already मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस वाले को paste कर देना, पब्लिक में पेस्ट करना है, इधर उधर नहीं करना, ठीक है। अच्छा अब जब तक ये पेस्ट हो रहा है उसको आप छोड़ो, अब हैट के अंदर आपके पास ये चीजें ऐड हुई हैं मेरे पास यहां से लेके यहां तक की। इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद आपका जो एडमिन लेआउट है इसके अंदर जो मेरे पास हेड मौजूद है ना, हेड ये,
सारे के सारे क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट आइकन है, इसको हम नहीं लगा रहे, सही है, सेव करो। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। इसके बाद आगे फॉरवर्ड चलो, मेरे पास देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें, कंटेनर कंटेनर स्कोरर है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास यहाँ नीचे जो है ना कुछ प्लगइन्स हैं जो मेरे पास एंड वाले, ठीक है ना, कहाँ के हैं, बिल्कुल एंडिंग के। इसे मैंने क्या करा, कॉपी करा मेरे अब इस वाले में, ठीक है, इधर यहाँ पेस्ट होंगे बॉडी में है ना वो, तो मैं कंट्रोल वी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर, ठीक है। ये भी अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ वो ही है प्लगइन्स, ठीक है, प्लगइन्स इन्होंने भी यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लेना अगर कोई कोलैप्स हो रहा हो या डबल हो रहा होगा तो वो आप हटा लेना, ठीक है, दो बार उसको ऐड कराने की जरूरत नहीं है, या इनकी जावास्क्रिप्ट वगैरह ये हटा लेना, सही, क्योंकि इसकी ये अपनी है, फिर वो ऊपर एक के ऊपर एक जो है ना फिर कोलैप्स होता है। यहाँ पर इसकी मैंने ये हटा दी, और इसकी ये वाली बूटस्ट्रैप जो एक सिंगल थी वो मैंने इसकी हटा दी, बाकी जो इनका था टेम्पलेट बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही हमने यहाँ पे रहने दिया, ठीक है। रिफ्रेश इसलिए कर रही हूँ कि कोई अगर एरर वेरर होगा तो पेस्टिंग का तो वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। कॉन्टेंट तो खैर अभी हमने रखा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ आए हम, अब मैंने इस कंटेनर को खोला, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, बैनर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, नैव बार है, ठीक है, ये मेरे पास बॉडी रैपर है जो कि मेरे पास उस तरफ आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास एक डिफ है, कंटेनर स्कोरर है, ठीक है, कॉपी करा मैंने इसको और ले जाकर कहाँ, बॉडी के अंदर यहाँ पे रखा, ठीक है, जहाँ ये होगा वहाँ मेरे पास डिफ भी बंद होगी, सही है ना। इसके बाद आ जाओ, मैंने अगर ये रखना है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कार्ट है, और ये फ्री कस्टमर सपोर्ट और ये जो अपडेट है वो मेरे पास कौन सी चीज़ है, ये मैं तुम्हें टैम्पलेट को पहले खोल के दिखा भी दूँ, ठीक है ना, कि भाई जो ये डिस्प्ले हो रहा है ये ऊपर का ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो हमारा कट हो जाता है, सही है। अब ये चाहिए नहीं चाहिए ये तुम्हारे पास अपनी मर्जी, जो ये लिखा हुआ आ रहा था, फिर इसके अंदर जो है ना फर्दर डिव है, ठीक है, जो हमारे पास ये हिस्सा आ रही है, मैंने कहा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये नैव बार चाहिए, ठीक है ना, पार्शल जो भी मेरे पास नैव बार है, कॉपी करा मैंने इसे, कॉपी करने के बाद इधर उठाकर मैंने यहाँ पे नैव बार इसके अंदर प्लेस कर, ठीक है, से लेके मेरा काम है यहाँ तक, ठीक है, टैप प्रेस करा है, टैप प्रेस करने से होता है आपके ओपन एंड हाइड जो है ना वो थोड़ा प्रॉपरली हो जाते हैं, मतलब इस तरह मैं बंद करूंगी तो प्रॉपर बंद हो रहा होता है, सही, सेव करा मैंने इसको और इधर आई और यहाँ आके मैंने इसको रिफ्रेश करा, ठीक है। अब कोई ऐसी चीज है जो कि मेरे पास इधर से उधर जा रही है, ठीक है, मतलब कहीं पे पाथ का इशू होगा, ठीक है ना, इमेजेस का इशू है, अच्छा, और हमारे पास कौन सा ऐसा फोल्डर है जो मैंने नहीं डाला है जिसकी वजह से इशू हो सकता है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इधर एक CSS का था और एक पार्शल का था, इसको भी कॉपी कर रही हूँ और इसको भी कॉपी करके यहाँ पब्लिक फोल्डर में मैंने पेस्ट कर दिया। अब रिफ्रेश करते हैं, देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या मसला है, प्रीव्यू इमेजेस तो खैर डिस्प्ले होगी नहीं ना, तो हमने इमेजेस लगाई जैसी है, नाम बार हो गया, कंटेनर स्कॉलर हो गया,
कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल ए देन कंट्रोल वी सही है स्लैश आपको कह रहा है ये इस तरह पात लगाओ ठीक है, उसको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि पीछे है ना नेस्टेड करके ठीक है, तो आप इसको खुद फाइंड आउट करने के लिए मुझे हर जगह जाके लगाना पड़ेगा, थोड़ा मसले वाली बात है ठीक है ना। अभी मैंने वही वाला कॉपी करा था ना, वो वाला वहां से कॉपी करा था, मैं वापस इसको कंट्रोल सेट कर रही हूँ ठीक है, कि भाई मेरा जो कंटेनर का मैंने लाके पेस्ट करा था ना ये पेस्ट है ठीक है, जो मेरा अपना खुद का था ठीक है, मैं यहाँ खुद पेस्ट कर दूंगी, मैं सिर्फ चेक कर रही थी ठीक है उसको, कि अगर मैं उसका सेम कॉपी करके अगर रखती हूँ तो एरर आ रहा है या नहीं, मेरे पास यहाँ पे मुझे ये चीजें लगानी पड़ेंगी ठीक है। अब आ रहा है ऑनलाइन बुक स्टोर और मेरे पास ये एडमिन पैनल और ये सारा, जाहिर सी बात है लोगो मैंने लगाया नहीं, पिक्चर है नहीं तो मेरे पास पिक्चर आएगी नहीं ठीक है। नेवबार डिफॉल्ट आ गया आपके पास लेकिन इसमें यह है कि पिक्चर डिस्प्ले नहीं कर रही,